नोटबंदी की मार सरकार के क्षेत्र पर भी पड़ा है, जिसे देखते हुए अब देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैशलेस होने की तैयारी कर रहे हैं। नया साल शुरू होने से पहले देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैशलेस हो जाएंगे। एचआरटी मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। सभी इंस्टीट्यूट से इसे फॉलो करने के लिए कहा गया है। देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 30 दिसंबर तक पूरी तरह से कैशलेस हो जाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। एचआरटी मिनिस्ट्री ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जो एक्शन प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक वॉलंटियर्स को 20 दिसंबर से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वो 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक अपने घर समेत आसपास के कम 10 घरों में डिजिटल ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग देंगे और उन्हें कैशलेस होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। 30 दिसंबर तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अपना कैंपस कैशलेस करना होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कहा गया है कि फीस, फाइन, डिपॉजिट कुछ भी कैश से न लें। सैलरी, वेंडर पेमेंट कुछ भी कैश से अदा न करें। इस साल के अंत तक कैंपस में कैंटीन, दुकान और कोई भी सर्विस कैशलेस होगी। सरकार के इस अहम कदम से स्टूडेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटी तक को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इग्नू देश की पहली कैशलेस संस्था भी हो गई है, जिसके सभी विभाग कैशलेस हो गए हैं।